दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एंटीबायोटिक देखेंगे और किससे ऑप्टेन होते हैं या प्राप्त होते हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं वो हम देखेंगे। हमारे चैनल आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सजेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज द बायोलॉजी वर्ल्ड को लाइक एंड फॉलो करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसे आप को फ़ायदा पहुँच सकता है एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का, चाहे लोकल एग्ज़ाम हो, चाहे प्री मेडिकल टेस्ट हो। दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये इम्पॉर्टेंट है प्री मेडिकल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वह हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। एसिड इन एंटीबायोटिक है वह हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। क्लोरोमाइसिटिन जो एंटीबायोटिक है वह हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस बैनोजोला से मिलता है। टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वह हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस आरोफेसियंस से मिलता है। टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोइस से। नियोमाइसिन एस्प्रेडी स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। एम्फामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरस से। थियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस हैचिलोनियंसिस से। वियोमाइसिन स्ट्रेप्टोफ्लोरिडा से। वैक्टीरासिन बैसिलस सब्टिलिस से। ग्रैमिसिडिन बैसिलस ब्रेविस से। थायरोथ्राइसिन बैसिलस ब्रेविस से। पॉलीमाइसिन जो है बैसिलस पॉलीमाइक्स से। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे लाइक एंड फॉलो करें। थैंक्स।